हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अलाहाबाद बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अलाहाबाद के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे लॉगिन, डिपॉजिट रेट्स, लोन रेट्स, पर्सनल, बिजनेस लोन और भी बहुत कुछ। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक्सप्लोर मोर में आपको और भी सर्विसेज मिल जाएंगे, जैसे ओपन एन अकाउंट, कार लोन, हाउसिंग लोन, इंटरनेट बैंकिंग, ईएमआई कैलकुलेटर, क्विक कलेक्ट, इंस्टेंट पे एक्सेट्रा। तो आज हम अकाउंट ओपनिंग के बारे में बात करेंगे। इसके लिए ओपन एन अकाउंट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके सामने स्टेप्स आ जाएंगे, जिसमें स्टेप वन रजिस्ट्रेशन स्क्रीन का, जहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स देने होंगे, जैसे मोबाइल नंबर, पैन नंबर और आधार नंबर। स्टेप टू में बेसिक पर्सनल डिटेल्स देने होंगे, जैसे जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस, जो आपके आधार में अवेलेबल है। स्टेप थ्री में भी आपको पर्सनल डिटेल्स एंटर करना है, जैसे मदर्स नेम, फादर्स नेम, प्लेस ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। स्टेप फोर में आएंगे तो आपको ऑक्यूपेशनल और एजुकेशनल डिटेल्स एंटर करना होगा। स्टेप फाइव में आपको घर के नज़दीक का ब्रांच चूज करना है। स्टेप सिक्स में आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। स्टेप सेवन में एडिशनल फैसिलिटीज का ऑप्शन आएगा। स्टेप एट में अप्लाई फॉर रुपे एंड डेबिट कार्ड। इसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ लेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक नया पेज खुलेगा जो लॉगिन स्क्रीन है। यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलता है। अगर आपने बैंक अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है तो यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी आएगा, जिसको यहाँ पर फिल करके आगे की प्रोसेस आप कंप्लीट कर सकते हैं। रजिस्टर न्यू पर क्लिक करके नया यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करेंगे। इसके ऊपर आपको डाउनलोड यूजर मैनुअल का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस मैनुअल को आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जिसमें पूरा प्रोसेस दिया गया है कि आप कैसे कैसे बैंक अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, हम नया बैंक अकाउंट खोलने जा रहे हैं, तो हम इसके लिए रजिस्टर न्यू पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जो आपका फर्स्ट स्टेप होगा रजिस्ट्रेशन स्क्रीन का। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स फिल करना होगा, जैसे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जिसके आगे गेट ओटीपी का ऑप्शन है। यहाँ क्लिक करेंगे और आपके फोन पर ओटीपी आएगा, जिसको यहाँ एंटर करेंगे और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे, जैसे कि आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा। फिर पैन नंबर एंटर करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे, फिर आधार नंबर एंटर करेंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको फोन पर ओटीपी आएगा जो आधार कार्ड से लिंक है। फिर आई अग्री पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा जो आपका सेकेंड स्टेप है। यहाँ आपके बेसिक पर्सनल डिटेल्स आधार कार्ड से ही फैच हो जाएगा। आप इसको मैच कर सकते हैं कि ये करेक्ट है कि नहीं। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर नया पेज खुलेगा जहाँ आपको एडिशनल पर्सनल डिटेल्स एंटर करना होगा, साथ में आपको एड्रेस भी एंटर करना होगा। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आपको ऑक्यूपेशनल एंड एजुकेशनल डिटेल्स फिल करना है, जहाँ पर एनुअल इनकम, एजुकेशनल डिटेल्स, जैसे आपने कहाँ तक की पढ़ाई की है, फिर कैटेगरी, उसके बाद रिलीजन। ये सारे डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर आपको ब्रांच चूज करना है, उसके बाद डिक्लेरेशन को यस करके नेक्स्ट पर क्लिक करना है, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद एडिशनल फैसिलिटीज का ऑप्शन आएगा। आप चूज कर सकते हैं कि आप कौन सा एडिशनल फैसिलिटी लेना चाहते हैं, या अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे ही एज इट इज छोड़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, जहां आपके सारे डिटेल्स आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका अकाउंट नंबर भी है, CIF नंबर, बाकी सारे डिटेल्स आपको दिख जाएंगे, आपका फोटो भी आ जाएगा जो आपके आधार कार्ड पे लगा होगा। अब आपका अलाहाबाद बैंक में अकाउंट ओपन हो चुका है। इस प्रिंटेड एप्लीकेशन को ब्रांच में ले जाएंगे, जिसके आधार पर पासबुक इशू हो जाएगा। तो दोस्तों, आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।